हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन परीक्षा जानकारी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे तमाम एस्पिरेंट्स जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं, वो हमसे पूछ रहे हैं कि भैया क्या हम नीट की प्रिपरेशन के साथ साथ ICAR 2022 एंट्रेंस एग्ज़ाम को दें या न दें, या देना उचित रहेगा। तो दोस्त, इस वीडियो में हम इसी बात को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का मेम्बर बनिए। मैं आप सभी लोगों को नीट और ICAR के साथ साथ JEE और CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिगार्डिंग जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगे, सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती रहेंगी। दोस्त, आइए आपको बता देता हूँ कि फाइनली क्या आप लोगों को नीट की तैयारी के साथ साथ ICAR के एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं। दोस्त, आप सभी लोगों को मैं बता दूँ, ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंडिया के जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उनमें 15% सीटों के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है ऑन द बिहाफ ऑफ NTA। साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं कि जो नीट का एग्ज़ाम है वो भी NTA ही कंडक्ट करवाती है, यानी दोनों ही एग्ज़ाम की जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है वो NTA ही है। अब हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, क्या सिलेबस रहने वाला है ICAR और नीट के लिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या रहने वाले हैं, अप्लीकेशन फॉर्म क्या रिलीज़ हो गया है नीट और ICAR का, इन तमाम बातों को हम एक एक करके पॉइंट वाइज बता देते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन दोनों ही एग्ज़ाम में अलग अलग रहते हैं, यानी नीट के एग्ज़ाम में नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है वो 200 है, लेकिन ICAR का जो एग्ज़ाम है उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 150 क्वेश्चन है। अगर हम बात करें मार्क की, तो जो नीट का एग्ज़ाम होता है वो 720 नंबर का होता है, लेकिन जो ICAR का है वो 600 मार्क का होता है। जो मार्किंग स्कीम है वो दोनों में समान है, यानी एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 4+ नंबर मिलेंगे, लेकिन आपने एक क्वेश्चन अगर गलत किया तो आपको 1- नंबर मिलेगा। दोनों ही एग्ज़ाम में ये चीज़ें समान है। अगर हम बात करें जो क्वेश्चन का टाइप क्या रहेगा, तो दोनों ही एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन टाइप हो यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अगर हम बात करें एग्जामिनेशन मोड, यानी दोनों ही एग्ज़ाम का एग्जामिनेशन मोड क्या है, तो जो नीट का एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन और जो ICAR का एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड है, यानी आपको कंप्यूटर बेस्ड एक टेस्ट देना होगा। अगर हम बात करें कि जो एग्ज़ामिनेशन ड्यूरिंग है वो दोनों ही एग्ज़ाम के लिए अलग अलग है, नीट के एग्ज़ामिनेशन के लिए जो एग्ज़ाम ड्यूरिंग है वो 3 घंटे 20 मिनट रहेगा, लेकिन जो ICAR का एग्ज़ाम है वो 150 मिनट यानी 2.5 घंटे का आप लोगों का एग्ज़ाम ICAR के लिए। अगर हम बात करें दोनों के सिलेबस में, तो दोनों के सिलेबस में कुछ हद तक समानताएं आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप नीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ बॉटनी और जूलॉजी की तैयारी करनी पड़ती है। अगर आप ICAR के एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ आप मैथ, बायोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर, इनमें से तीनों में से कोई एक सिलेक्शन रहेंगे, तीन सब्जेक्ट कम्बिनेशन के साथ आप इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे। तो दोस्त, अगर आप ICAR में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जाकर अपना अच्छी से जॉब करना चाहते हैं, उसमें योगदान देना चाहते हैं, तो आप ज़रूर नीट एग्ज़ाम के साथ साथ आप ICAR एग्ज़ाम को दें, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है वो नीट के एग्ज़ाम में और ICAR के एग्ज़ाम में दोनों में अंतर है। जो क्वेश्चन का लेवल हो दोनों ही एग्ज़ाम में अलग अलग, जो नीट का एग्ज़ाम हो काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, लेकिन जो ICAR का एग्ज़ाम होता है वो थोड़ा सा ईजी होता है। लेकिन आप लोगों को जो अपनी तैयारी करनी हो दोनों को अच्छे तरीके से करनी है। अगर आप का फिजिक्स और केमिस्ट्री नीट के एग्ज़ाम के दौरान आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लिया, तो आप लोगों मैथमेटिक्स या बायोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर में तीनों में से किसी एक को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका जो ICAR एग्ज़ाम हो आसानी से क्रैक कर पाएंगे। तो दोस्त, ये इन्फॉर्मेशन थी, आप लोग ज़रूर ICAR का एग्ज़ाम दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का मेम्बर बनिए।